नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि कई लोगों को सर्दी खांसी के दौरान या कोल्ड या कफ की समस्या ठीक होने के बाद भी बहुत समय तक गले में और छाती में कफ या बलगम जमा हुआ महसूस होता है और पेशेंट को उसके कारण सूखी खांसी आती है और तकलीफ बनी रहती है। और यह बीमारी पेशेंट को कुछ दिनों पुरानी भी हो सकती है, कुछ महीनों या कुछ सालों पुरानी भी हो सकती है और इसमें पेशेंट के सिम्टम्स भी कई तरह के हो सकते हैं। तो उनकी हिस्ट्री के आधार पर वहाँ पे ट्रीटमेंट देके उस पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये कफ या बलगम छाती में जमा हुआ क्यों रह जाता है, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, हमको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहिए और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। इसमें नंबर वन पर होता है वायरल इन्फेक्शन। इसमें ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो जाती है और पेशेंट को सांस की नली में सूजन महसूस होती है और वहाँ पर कफ जमा हुआ महसूस होता है जिससे कि घड़घड़ की आवाज़ आती है। इसमें नंबर टू पर होता है निमोनिया। जब पेशेंट के लंग में इन्फेक्शन हो जाता है तो भी छाती में कफ जमा हुआ महसूस होता है और पेशेंट को तकलीफ होती है और साथ में कभी कभी फीवर भी मिल सकता है। और इसमें नंबर तीन पे होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि टीबी या ट्यूबरक्लोसिस। इसमें पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरियल और इसमें पेशेंट को फीवर भी बना रहता है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर आएगा, उसको छाती में दर्द होगा और छाती में कफ भी बहुत ज़्यादा महसूस होता है जिससे उसको बॉडी एक बना रहता है। अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। इसमें है कि पेशेंट को अपनी छाती में कफ और बलगम महसूस होता है और इससे उसकी छाती में भारीपन लगता है। नंबर टू, पेशेंट को अपनी छाती से जब वो सांस लेता है तो साय साय या घर घर जैसी आवाज़ आती है और इस जो साय साय की आवाज़ है इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम वीजिंग साउंड कहते हैं। नंबर तीन, इसमें यह होता है कि पेशेंट को जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको फीवर भी आ सकता है और इन्फेक्शन बढ़ने की कंडीशन में कभी कभी पेशेंट को कफ में या बलगम में खून भी आ सकता है। और एक चीज़ और होती है, जब सिम्टम बढ़ जाते हैं तो पेशेंट को छाती पे इतना दबाव महसूस होता है कि वो रात को सो भी नहीं पाता है। इसमें छाती में कफ जमा होने के कारण पेशेंट की सांस फूलने लगती है और वो थोड़ा सा वॉक करने पे या थोड़ा सा काम करने पे ही हांफने लगता है। इसमें पेशेंट को खांसी के पैरोक्सिज्म भी बहुत ज़्यादा आते हैं और ये खांसी मेनली सूखी होती है, लेकिन कभी कभी खांसी में उसको स्पूटम या बलगम निकल भी सकता है। और जब पेशेंट खांसता है तो उसका पूरा फेस झंझनाने लगता है और उसको सिर में भी दर्द होने लगता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर इसके प्रिकॉशन की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पे है कि यदि पेशेंट को फील होता है कि उसकी छाती में कफ जमा हुआ है, बलगम जमा हुआ है, तो उसको सबसे पहले, यदि उसको स्मोकिंग की आदत है तो उसको अपनी स्मोकिंग की आदत को छोड़ देना चाहिए। नंबर टू, यदि पेशेंट को लगता है कि छाती में बहुत दबाव महसूस हो रहा है तो वो कुछ जांचें भी करवा सकता है। इसमें नंबर वन पे ये है कि वो अपना एक CBC मतलब ब्लड का टेस्ट करवाए। उसमें यदि WBC बड़ा हुआ आता है, वाइट ब्लड सेल्स यदि बड़ी हुई आती हैं, मतलब पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन है। नंबर टू, उसको चेस्ट का एक्सरे भी करवा सकता है तो चेस्ट के एक्सरे में भी कफ जमा हुआ दिख सकता है। और नंबर तीन, यदि उसको रात में बुखार आ रहा है, जल्दी थकान आ रही है, चेहरे पे काले गड्ढे पड़ गए हैं आँखों के नीचे, तो वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी टेस्ट करवा सकता है। पेशेंट को अपनी डाइट भी इम्प्रूव करना चाहिए और अपने वाटर का इंटेक बढ़ा देना चाहिए जिससे उसकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी और वह बीमारी से लड़ पाएगा। और एक चीज़ और, यदि पेशेंट को किसी पर्टिकुलर टाइप की एलर्जी है या पोलन ग्रेन्स वगैरह की एलर्जी है तो उनसे भी बचना चाहिए, क्योंकि उनसे पेशेंट को अस्थमा लाइक कंडीशन बन जाती है और उससे भी कफ या बलगम छाती में जमा हो जाता है। यहाँ पर अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें होम्योपैथी तीन तरह से काम करती है।
एक तो नंबर वन, यदि कोई क्रोनिक बीमारी उसको पहले से है, दमा है, टीबी है, तो उसको भी ठीक करती है। नंबर टू, यदि उसको कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी कवर करती है। और नंबर तीन, ये जो कफ उसको जमा हुआ महसूस होता है, धीरे धीरे इसको वोमिट फॉर्म में या स्पूटम के फॉर्म में रिलीज़ करवाती है, जिससे कि पेशेंट को आराम मिल जाता है। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन है एंटीमटाट। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को अपनी छाती में बहुत ज़्यादा कफ या बलगम भरा हुआ महसूस होता है और उसकी सांस लेने में उसको घड़घड़ या साय साय की आवाज़ आती है, उसको छाती में भारीपन महसूस होता है, उससे उसको दर्द भी होने लगता है। और यह भारीपन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है और थोड़ा बहुत काम करने पे या चलने पे उसकी सांस फूलने लगती है। और जब पेशेंट खांसी करके इसको निकालने की कोशिश करता है स्पूटम को, तो कभी कभी तो बिल्कुल नहीं निकलता और कभी कभी थोड़ा सा स्पूटम या बलगम बाहर आता है। और पेशेंट को इसमें एक चीज़ और भी होती है, यदि पेशेंट को कफ के साथ जब कफ करने की या खांसी करने की कोशिश करता है तो साथ में वोमिट भी हो जाती है। इस तरह का मेनली बच्चों के केस में होता है क्योंकि बच्चे इतनी आसानी से कफ को निकाल नहीं पाते, एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाते, तो वो कफ को निगल जाते हैं और वो वोमिट फॉर्म में बाहर आता है। और इस तरह के पेशेंट में एक चीज़ और देखी गई है कि उसको लाइंग डाउन वगैरह से तकलीफ बढ़ जाती है, मीन्स यदि वो लेटा है तो वो कफ छाती में बहुत ज़्यादा महसूस होता है और तकलीफ बढ़ जाती है, उसको उठकर बैठना पड़ता है। लेकिन यदि वोमिटिंग हो जाती है तो उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम आ जाता है। इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन है ब्राइनिया एल्बा। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसको बहुत ज़्यादा सूखी खांसी चलती है और यह खांसी बहुत लंबे समय तक पेशेंट को परेशान करती रहती है। और यदि वो कुछ खांस के कुछ बलगम निकालने की कोशिश भी करता है तो बहुत ही टफ म्यूकस बाहर आएगा या कुछ नहीं भी निकलता है। और कभी कभी जब ये खांसी और ज़्यादा क्रोनिक हो जाती है तो पेशेंट को खांसी के साथ ब्लड के पीसेस भी बाहर आ सकते हैं। पेशेंट को खांसी करते करते बहुत ज़्यादा छाती में दर्द होने लगता है और इस दर्द का कैरेक्टर चुभता सा हुआ होता है, लगता है कि कुछ चुभ रहा है, स्टिचिंग सेंसेशन उसको साथ में फील होते हैं और छाती पर इतना दबाव महसूस होता है कि पेशेंट को अपने छाती को होल्ड करना पड़ता है कफ के दौरान। और एक चीज़ इसमें और देखी गई है कि पेशेंट को अपनी सांस फूल जाती है, मींस उसको जरा सा काम करने में उसकी सांस फूली हुई महसूस होती है। तब यदि इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो ब्रायनिया एल्बा बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके जमे हुए कफ को निकालने में इससे हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।